अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पहले तो बहुत माजरत कि 2 वीक से हमारे व्लॉग अपलोड नहीं सके। उसकी मेन वजह से थी कि मेरे कोई पर्सनल रीज़न थे जिसके वजह से मैं एक्टिव नहीं रह सका। दूसरा कि आपसे एक शिकायत है कि आपके अभी तक मेरे 45% लोग हैं वो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम इससे मोटिवेशन मिलती है और नेक्स्ट वीडियो में हमें अपने 100% देने को भी दिल करता है। तो आज जब भी हम जा रहे हैं बाल कटवाने क्योंकि कुछ दिनों से कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं मलंग की तरह लग रहा हूँ। बात तो सही है। तो फिर मैंने जाके शीशा देखा तो वाकई हालत मेरी मलंगों की तरह हुई हुई थी। तो अभी जाते हैं हेयर कटिंग कराते हैं, बाल दाढ़ी सेट करवाते हैं और उसके बाद एक सरप्राइज़ है जो आपको देना है हमने। तो वो अभी तैयार होते हैं, बाल छाल कटवाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। गाइस हेयर कट करवा के हम आ गए हैं। मगर एक बात यह है कि इंसान चाहे जितने भी अच्छे बाल कटवा ले, जितने छोटे कटवा ले, मगर माँ को बिल्कुल नहीं पसंद। इंसान जब तक गंजा ना हो माँ कहती है कि ये बाल बहुत भी बड़े हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कासिम के घर जो हमारा बिग सरप्राइज़ था क्योंकि वो उम्र के दही करके वापस आ गए हैं। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ का खुशी इंसान कुछ ऐसे हैं कि अब हम पहुंच गए कासिम के यहाँ। ये मेरे साथ मुजतबा हैं, अंदर किसी ने आपको दिखा नहीं सकेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हमें। हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यार से कज़न कासिम। तो कासिम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो आप यहाँ के और वहाँ के माहौल में क्या फ़र्क देखते हैं? वैसे कहते तो वहाँ पे गर्मी होती है लेकिन वहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, पता नहीं चला कैसा मौसम है। अच्छा, वैसे तो बहुत ठंड थी। वैसे मैंने आपको तो जी तो काम बोले थे वो हुए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दुआ की हमने। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, चले अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। आए 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 मजे आए 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 मजे। तो आप बताते नहीं है कौन सी है? तो मेरा आपने एक गैन आपको गिफ्ट भी बोला था, मेरे लिए लेके आए। लेके आए, चले वो भी देखते हैं। तो इधर बात गंड करते हैं, अभी गर्मी बहुत है, लाइट चली गई है, असर के वक्त सही से गप करेंगे और उसके बाद आपको मिलते हैं। The next day. तो लास्ट 2 डेज बहुत ही मसरूफ़ गुजरे हैं, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेहमान इतने आए थे कासिम के यहाँ के, पूछे मत। घर से बैठक और बैठक से घर, चक्कर लगाते लगाते मेरे 4 से 5 किलो वजन कम हो गया और गर्मी भी बहुत ही दोनों दिनों में। तो अब हम फ्री हैं, घर आ गए आज। तो कासिम मेरे लिए कुछ तोहफे लाया था सऊदी अरेबिया से, चलें तो वो देखते हैं। सो लगा इसको तोहफे बहुत ज़्यादा ले आया था, उसमें से कुछ आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये एक नए दौर की तस्वीर लाया है जो इसको डिजिटल बोलते हैं, तस्वीर ये लाया और उसको मैंने बोले थे जो एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो अक्सर ये इत्र लगाते थे जो उनका नाम है ऊद, वो मंगवाया था। इसकी खुशबू बहुत ही मतलब कि मज़ेदार है, काफ़ी दिनों तक रहती है। और एक और उसने अपनी तरफ से लाया था, इसका नाम थोड़ा मुश्किल है पढ़ने नहीं, और हमें से ये लाया था। तो कासिम का वैसे बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे वहाँ जाके इस पाक जगह पे जाके भी मुझे याद रखा है, क्योंकि लोग इधर जाते हैं बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारी शख्सियात उनको कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, लोग भूल जाते हैं, मगर कासिम ने जो यहाँ भी याद रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अगले साल या हमारी ज़िंदगी में जब भी मौका दे हमें उम्र और हज की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अता फरमाए। इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, होप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सी यू नेक्स्ट वॉक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।